नमस्ते। आज की वीडियो पपड़ी के बारे में है। पपड़ी को हिंदी में पांच, संस्कृत में पांची या पांचोली कहते हैं। इसे वालोर पपड़ी भी कहते हैं। वालोर पपड़ी का ही एक प्रकार है। सूरती पपड़ी को ब्रॉड बीन कहते हैं। पपड़ी को आलू सेम या सेम, हाइसिंथ बीन, लबलब या फिल बीन कहते हैं। साउथ में अवरकई के नाम से जाना जाता है, पर अवरकई में गुलाबी रंग के पुष्प लगते हैं। पपड़ी हर एक व्यंजन बनाने में उपयोगी होती है, पर आज की बात सिर्फ हमारे यहाँ माधवपुर में होने वाली पपड़ी, जिसे खास करके पांदड़ी कहते हैं, इसके बारे में बात होगी और इसका वीडियो दिखाएंगे। यह है पांदड़ी का पौधा जो पूरे खेत में लगाई हुई है। पपड़ी का पौधा लगभग 1 से 2 फीट ऊंचाई का होता है। एक भस्म जैसा दिखने वाला इसका छोड़ होता है। बिल्व पत्र की तरह ही इनमें 3-3 पत्ते लगे हुए होते हैं। इसका फूल सफेद होता है। खास करके फली को ही पपड़ी कहते हैं। फली को तोड़ने से अंदर से 4 बीज निकलते हैं। पपड़ी के फल को मसलने से थोड़ा सुगंधी होता है। इसका सेंट भी बनता है। पपड़ी घरेलू और स्वादिष्ट सर्दियों की सब्जी है। शाक बनाकर खाया जाता है। डायरेक्ट शाक नहीं बनता, इसे तैयार करना एक कठिन काम है। सब्जी बनाने से पहले इसकी पूंछ काटकर फली के टुकड़े करके बीजों के साथ सब्जी बनती है। काफी झंझट वाला काम है, पर स्वाद बहुत अच्छा होता है। पपड़ी गुण में तिक्त, कट्टू, उष्ण, कसाई, सुगंधी, वात रोग, त्वचा रोग, व्रण मिटाने वाली है। यह दाह तृषा शामक है। पपड़ी में कैलोरी कम होती है, वसा बिल्कुल नहीं होती। इनमें विटामिन ए, बी, सी और प्रोटीन तथा फाइबर की मात्रा भरपूर होती है। फोलिक एसिड और आयरन होने से कब्ज दूर करती है। स्वास्थ्यप्रद है। मोटापा कम करने में सहायक है। वजन घटाने में मदद करती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करती है। अब देखते हैं पपड़ी की सब्जी को बनाने से पहले तैयार कैसे करते हैं। इसी तरह एक एक पपड़ी की फली को तैयार करते हैं और बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनती है। पपड़ी के छोड़ को अब ढंग से देख लें। आगे की वीडियो में सिर्फ दिखाया है। जी धन्यवाद। Thank you.
थैंक यू।